नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में DEE++B नॉन टीचिंग के लगभग 2500 पद पे वैकेंसी। आप सभी का जो फॉर्म है वो 9 तारीख से चालू हो गया है और लगातार बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं, सर फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से हम तमाम जो पद आए हैं, जूनियर असिस्टेंट का, जो LDC का पद आया है, जो स्टेनो का पद आया है, इसकी तैयारी किस प्रकार से करें, तो एक आपके लिए बहुत बेहतरीन रणनीति, कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कौन सी किताबें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, PDF नोट्स आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट सीरीज क्या लगाना है, कौन सी लगाना है, ऑनलाइन कोर्स कौन सा बहुत बेहतर है, क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तमाम वो जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो यदि आप DEE++B नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या DEE++B के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़े हैं और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग इसके बारे में जो भी अपडेट आते हैं उसको आप तक पहुंचा पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को कि इसमें है क्या। DEE++B के नॉन टीचिंग की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं ये तो हमारे जो कोर्स हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा कि क्या कैसा है। इसमें अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये वैकेंसी आपका लगभग 2500 पदों पे है, लगभग 2500 पदों पे है। DEE++B की तरफ से कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं, इसमें आपके लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे LDC बोला जाता है, LDC के साथ साथ आपका जूनियर असिस्टेंट जिसे JA बोला जाता है, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का पद है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 1 का है। अब आपको ये सोचोगे कि ये बार बार एक ही पद क्यों लिखा है, बार बार एक ही पद इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे आप क्या होता है DEE++B कई सारे विभागों से एक साथ वैकेंसीज क्या करती है, उसका अध्याचन लेती है, उसके बाद एक साथ ही निकालती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे उत्तर प्रदेश में UP SSC है, बिहार में BSSC है, ये ठीक उसी प्रकार कार्य करती है। ठीक दिल्ली का ये सबॉर्डिनेट बोर्ड है जो तमाम टीचिंग वैकेंसी, नॉन टीचिंग वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी, सारे ही वैकेंसी डिटेल्स में निकालती है और बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। इसमें बहुत अच्छी इसकी सैलरी भी होती है, दिल्ली में ही जॉब होती है, लेकिन एक दिक्कत बस इसमें यह होती है कि जो इसका एग्जाम सेंटर होता है वो केवल दिल्ली में होता है, दिल्ली में होता है। लेकिन एक बात तो आप भी ऐसे भी तो समझो, जैसे हर राज्य के एग्जाम में आपको पेपर देना उस राज्य में जाना पड़ता है, ठीक ऐसे दिल्ली भी किसी तरह राज्य केंद्र शासित प्रदेश और आपको पेपर देने दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। बट आपको नौकरी, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हो, आप देश के किसी भी कोने से हो, अगर आपको दिल्ली में जॉब करना पड़े तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने घर में नहीं हो, आप देश के राजधानी में जॉब करते हो, देश की सबसे अच्छी जगह पर जॉब करते हो, भले ही घर पे नहीं होते बट आप देश के सब कैपिटल पे क्या करते हो, जॉब कर रहे हो, तो इस संदर्भ में ये वैकेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो 9 तारीख से आपका फॉर्म चालू है, 7/2 लास्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा, 7 फरवरी का इसका क्या है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो ये आप लोग देर मत करिएगा, इसका फॉर्म भर लीजिएगा। एक ही फॉर्म भरना है, बहुत सारे दिमाग में आता है कि क्या इसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, आपको एक ही फॉर्म भरना है, बस आपको चूज करना है कि आप किसके किसके लिए हो, क्योंकि अलग अलग के अलग अलग कैटेगरी है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए और आप कौन सा आपका बोल सकते हो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपकी एज क्या चाहिए। मैं ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूं कि जनरली 18 से 27 साल इसमें एज चाहिए, एक दो पद में 30 साल के लिए भी है और मैक्सिमम में आपको केवल 12th लेवल पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट भी जरूरत नहीं है। तो 12th हो, 18 से 27 के बीच में हो तो आप इसे कर सकते हो, बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो तो मिलता ही है। और बस एक चीज बता दूं कि अगर आप दिल्ली के बाहर वाले हो तो आपको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन की कोई छूट नहीं है, अगर आप दिल्ली के अंदर वाले हो तो आपका जो ओबीसी ST इन सब के जो छूट मिलते हैं वो मिलेगा। इन सब पदों पे देखा जाए तो कुल मिला के 2354 पद हैं अलग अलग पोस्टों पे देखा जाए। आते हैं सबसे बड़ी बात है कि यहां पे कैसे करें तैयारी। तो फॉर्म तो आप भर दोगे, मुझे पता है जिनको भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या फिर फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने लिंक लगा दिया है कि इसमें जो संबंधित जो भी एलिजिबिलिटी है उससे संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है वो सारा मैंने यहां पर लगा दिया। अब आते हैं सबसे बड़ी बात है कि जब हम तैयारी करने आते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर जो पेपर देने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। तो ये जो आप पेपर देने जा रहे हो इसमें आप किसी भी पद के लिए हो, आप स्टेनो के लिए हो या फिर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए हो या फिर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के हो या फिर आप LDC के लिए हो,
किसी भी पद के लिए आवेदन करोगे, कुल मिला के 6 से 7 पद है, आपको जब फॉर्म भरते हो सबको टिक करना पड़ता है किसके किसके लिए एलिजिबल हो। जैसे स्टेनो के लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, जो क्या होता है एक स्किल टेस्ट होता है 80 वर्ड पर मिनट की, आपकी क्या होती है शॉर्ट हैंड होता है, वो एक अलग से स्किल होता है। अगर आपको आता है तो आप उसे टिक करोगे, नहीं आता तो आप टिक नहीं करोगे, बट उसमें अलग से कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाता। तो आप सबके लिए एक ही पेपर होगा, एक पेपर में टोटल कितना पूछा जाएगा, टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होगा, मार्क्स क्या होगा, नंबर भी 200 होगा, निगेटिव आपका क्या होगा, 1/4 आपका माइनस होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, और 120 मिनट 2 घंटे का क्या होगा, पेपर होगा। एक ही पेपर होगा विभिन्न पदों के लिए, जब बाद में आप क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर आपका क्या कराया जाएगा, आपका फिर प्रेफरेंस बनाया जाएगा कि आप किस विभाग में जाना चाहते हो, कहां पे आप जूनियर असिस्टेंट अगर भरना भी चाहते हो तो दिल्ली के तमाम जो विभाग हैं, जैसे एससीईआरटी में बहुत सारे पद निकले हुए हैं, तो आप कहां पे जाना चाहते हो वो आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। अब आते हैं कि ये जो आपके सामने 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो 200 नंबर में सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ्स पूछा जाएगा, डेट इंटरप्रिटेशन हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। अभी जो पहले पेपर पैटर्न होता था 2023-24 से पहले 2022 तक मैं आपको बोल दूं, तो यहां पे क्या होता था 200 ही क्वेश्चन होता था, लेकिन सारे सेगमेंट में क्या होता था 40-40 क्वेश्चन होते थे, मतलब 40 रीजनिंग का होता था, 40 मैथ का होता था, 40 इंग्लिश का होता था, 40 हिंदी का होता था, और 40 आपका जीएस का होता था। इसमें भी 40 में ये क्या करते थे, ये 20-20 का सेगमेंट तोड़ देते थे। जैसे मैथ्स का क्या होता था, मेंटल एबिलिटी 1 और 2 कर देते थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 1 और 2 कर देते थे। ऐसे ये क्या करते थे, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन क्या थोड़ा एक पार्ट में करंट का वेटेज ज्यादा देते थे, एक पार्ट में आपका क्या होता था ट्रेडिशनल स्टैटिक जीके ज्यादा होता था, सिमिलरली इंग्लिश में, सिमिलरली क्या होता था हिंदी में। बट अब ये क्या कर रहे हैं, अब एक ही सेक्शन आपका होगा 35 क्वेश्चन, 5 यहां से कम किए, 5 जगह से 5-5 नंबर कम किए, और इन्होंने समय को देखते हुए छठा पोर्शन आपके लिए जोड़ दिया, वो है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर के 25 नंबर आपको दे दिए। तो कहीं ना कहीं अब आपका ये जो पैटर्न है, 5 सब्जेक्ट का नहीं 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और लेंदी हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर में आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए। आपको सारे के सारे यहाँ पे पोर्शन तो आपको सारे के सारे कवर करने, और 200 क्वेश्चन करना होता है आसान बात नहीं होती है, आपको सबसे बड़ी बात है बहुत ही रणनीतिक तरीके से पढ़ना होता है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि हम आखिर पढ़े क्या, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका कहीं सिलेबस कहीं भी आप देखोगे बेटा, तो इसका सिलेबस आपका नहीं दिया होगा, फिर आपकी कंफ्यूजन होती है कि आखिर हम किसी भी पोर्शन में तो पढ़े क्या। अब आपको मैं एक अलग अलग लिख दे रहा हूं, जैसे एक सेक्शन आपका मैथ्स का है, एक सेक्शन आपका किसका है रीजनिंग का है, एक सेक्शन आपका किसका है हिंदी का है, एक सेक्शन आपका किसका है इंग्लिश का है, एक सेक्शन आपका क्या है जीएस का है, और एक सेक्शन कंप्यूटर का है। मैं सबसे पहले आपको क्या करूंगा, यहां पे कंप्यूटर लिख दूंगा, और उसके बाद मैं किसको लिखूंगा, उसके बाद आपका जीएस लिखूंगा, जीएस लिखूं जीके लिखूं या करंट अफेयर्स लिखूं, ये 3 पोर्शन मिलकर एक है। अब इससे भी कितना क्वेश्चन, इससे 35 क्वेश्चन, इससे भी 35 क्वेश्चन, इससे भी आपका 35 क्वेश्चन, इससे भी आपका 35 क्वेश्चन, यहां पे भी, यहां पे आपका 25 क्वेश्चन होगा, ये आपका कंप्यूटर जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा, और यहां पे भी 35 क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितना नंबर लाना होगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो टोटल आपका 200 है, अगर इससे पहले मैं कट ऑफ की बात करूं तो 75 से 80% और कई बार 70 से 75% के बीच में बना है इसका कट ऑफ। मतलब अगर मैं देखूं तो अगर आप 140 से 150 नंबर ले आते हो, मार्क्स ले आते हो, तो आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि अगला क्या होता है, इसमें स्किल टेस्ट भी होता है, तो कट ऑफ वहां पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बाहर होते हैं। स्टेनो का कट ऑफ क्या होता है, और कम आता है, लगभग 65% पे जाता है। तो ये आपका अभी तक था, लेकिन क्या अभी भी वही रहेगा, नहीं, कंप्यूटर जुड़ा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे होगा। दूसरी बात, हर बार एजेंसी बदल रही है, हर बार पैटर्न बदल रहा है, तो हो सकता है कि पेपर के डिपेंड पे लेवल आपको सेफ स्कोर अलग लेवल पे बनाना पड़े। लेकिन DSSSB की बात करूं तो इसका पूरी जो संस्था है OARS के अंतर्गत ये क्या कराती है, इनकी अपनी खुद की एजेंसी होती है, खुद के ये पेपर सेट करते हैं, तो ज्यादा आपको आसानी किससे मिलेगी, ज्यादा आसानी आपको मिलेगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। अब मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो आपको ये आइडिया लग गया कि जो अभी तक जाता है 140 से 150, बट अगर मौजूदा समय में अगर मैं बोलूं कि आपको इसकी तैयारी करनी है और एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको नौकरी लेनी ही लेनी है, तो दिल्ली का है ये
2500 पद हैं, 2500 के आसपास पद हैं लगभग, अगर नॉन टीचिंग का देखोगे इसी का केवल, तो 2334 समथिंग इतने पद हैं। फिर भी पदों की संख्या कम नहीं है, निगेटिव भी 1/4 मार्किंग है, पेपर में भी 200 क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं होता। तो इतना आप मान के चलो कि कट ऑफ मिनिमम 75% के आसपास घूमेगी, 70 से 75%। तो अगर आप आज से लेके चल रहे हो, आज से आइडिया लेके चल रहे हो, तो ये मान के चलो कि अगर आपका 140 से 50 नंबर सेम जो अभी तक चलता आ रहा है, 150 में इस बार थोड़ा सा बढ़ा के बोलूंगा, 150 से 155 अगर आप नंबर लेके आते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक सेफ स्कोर होगा। लेकिन अब ये सेफ स्कोर लाएं कहां से? सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो, आपने फॉर्म भर दिया, आपने ये देख लिया कि इसका पैटर्न क्या है, आपने देख लिया कि हमारा सेफ स्कोर क्या है, हमें कहां तक मेहनत करनी है, अब इस चीज को लाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके लिए दिमाग में आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, हमारे पास जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, और किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और कहां से ये पूछा जाता है, और हम कहां से पढ़ें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता है कि इसके लिए किताबें कौन सी होनी चाहिए, अगर इसके लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स है तो कोर्स किस प्रकार का होना चाहिए, हम कहां से जुड़ सकते हैं, आपको ये पीडीएफ नोट्स जो आप तैयार करते हो ये क्या रिवीजन करने के लिए, या आप अपना बना सकते हो, या फिर आपका इसके साथ क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए जो टेस्ट हो वो टेस्ट सीरीज कैसा होना चाहिए और कहां से मिलेगा, ये तमाम क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। एक एक करके मैं समझाता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। जैसे अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में अरिथमेटिक नंबर सिस्टम और डेटा इंटरप्रिटेशन पूछता है। अब अरिथमेटिक में अगर मैं बात करूं चैप्टर में, तो जैसे संख्या पद्धति हो गया, नंबर सिस्टम हो गया आपका, फिर रेशियो हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया आपका, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इधर आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ये सारे चैप्टर, और आपके डिस्काउंट के चैप्टर हो गए, एवरेज का चैप्टर हो गया। इसके बाद आपका क्या होते हैं, कुछ ज्योमेट्री मेंसुरेशन का पार्ट हो गया जो अभी तक पूछता आया है, वहां से भी पूछेगा, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर और आपका सिलेंडर, कोन, इन सबसे क्वेश्चन होगा, शंकु वगैरह से। साथ में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, तो एक अच्छा खासा सिलेबस है। रीजनिंग में भी अगर मैं बात करूं तो चाहे वर्बल रीजनिंग चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब कि इसमें अगर मैं बात करूं तो एनालॉजी से भी पूछेगा, सिलॉग से भी पूछेगा, वन वर्ड आप बोल सकते हो कि ऑड वन आउट से भी क्वेश्चन पूछेगा, और मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, क्यूब, डाइस, इन सबसे, क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल, सारे पार्ट से लगभग लगभग पूरी रीजनिंग से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हालांकि नॉन वर्बल पार्ट में फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े से कम देखे गए हैं या एकाधी देखे गए हैं, ज्यादा पार्ट आपकी लॉजिकल रीजनिंग का ही देखा गया है। इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में कंप्रेहेंशन से लेके ग्रामर तक सारी चीजें पूछता है। इसमें आपका स्पेलिंग करेक्शन भी पूछेगा, आपका करेक्शन भी पूछेगा, आपका ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, अब फिलर, सारी ही चीजें, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सारे पार्ट आपका इंग्लिश में पूछता है, और हिंदी में भी सेम यही है कि अगर देखा जाए तो हिंदी में भी वो सारे पार्ट पूछता है, बट हिंदी पारंपरिक हिंदी नहीं पूछता, थोड़ा सा ये कैसे पूछता है, थोड़ा सा नई मॉडर्न हिंदी की तरह पूछता है, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लिश होता है उसी का कॉपी कट आपका हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी थोड़ा सा आसान होता है। कंप्यूटर इस बार नया है, बट मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के सारे सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा आपका ऑफिस वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाएगा, इंटरनेट ज्यादा पूछा जाएगा, उसने थोड़ा सिलेबस के बारे में बताया भी है कि कहां से पूछा जाएगा। बाकी सबसे मेजर जो पोर्शन है और सबसे कंफ्यूजिंग जो पोर्शन है वो आपका है जीएस जीके करंट अफेयर्स। अब सबसे ज्यादा बच्चा मेहनत यहां पे करता है बट सबसे कम यहीं पे अंक लेके आता है। आप एक बात समझना, अगर आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो आप इन तीनों पोर्शन में जीके और करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जैसे जीके कहने का मतलब ये हो गया फेमस पर्सन हो गया, फेमस पर्सनालिटीज हो गई, फेमस प्लेसेस हो गए, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे गहरा है, ये जो आपकी स्टैटिक जीके है, ये आपका चाहे कन्वेंशनल जीएस का हो या फिर करंट का हो, ये अगर आप पूछ लेते हो, जैसे कौन सी किताब किसने लिखा, कौन सा अवार्ड किसे मिला, ये सारे स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। साथ में करंट अफेयर्स जो आपका चल रहा है वो भी ज्यादा नहीं, आपके पिछले 3 से 4 महीने का। करंट अफेयर्स की बात आई तो पेपर कब होगा जो मैं बोल रहा हूं आपके 3-4 महीने का। देखिए अभी आपका DSSB का जो इससे पहले का पीजीटी वगैरह इन सब के जो पेपर आए थे, जो बोल सकते हो असिस्टेंट वगैरह आया था, है ना, उसके लिए आपका जो एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है। अब आपकी जो बारी है वो बाकी पेपर जैसे पीजीटी का हो गया, जैसे आपका नॉन टीचिंग का हो गया, इनके एग्जाम डेट की बारी आने वाली है, इससे पहले जेल वार्डर होगा। तो जेल वार्डर की जो परीक्षा होगी वो फरवरी माह में संभावित है, और इसके बाद आपका जो मार्च या अप्रैल में नॉन टीचिंग की परीक्षा होगी, क्योंकि अगर मार्च अप्रैल में नहीं हुआ तो बीच में चुनाव होगा, फिर परीक्षा कहां जाएगी, फिर परीक्षा जाएगी मई जून में जाएगी, और उससे पहले नहीं हो पाएगी। तो ज्यादा चांसेस आपकी परीक्षा अप्रैल में, मतलब हमारे पास जनवरी का महीना 10 दिन निकल गया, 20 दिन इधर बचा, पूरा फरवरी, पूरा मार्च,
मतलब 30-30, 60-70 दिन, फिर भी आप मान के चलो कि 55-60 दिन आपके पास केवल और केवल है। इस 55-60 दिन में आपको 150-155 नंबर लाना है, आपके पास 6 पार्ट है, तो आपके पास रिसोर्सेस इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा जाओ आप खुद से पढ़ लो, आप नहीं कर पाओगे, यकीन मानो इतने समय में केवल ढूंढते रह जाओगे, एनालाइज करते रह जाओगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, हम क्या पढ़ लें, क्या तैयार कर लें कि हमारा हो जाए। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि एक अलग से मैं आपको सेशन बना दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है किताबें टीम परीक्षा प्लस आपके लिए डेडिकेटेड अगर देखा जाए तो इस कोर्स के लिए पूरी किताब लॉन्च कर रही है। ये किताब आपके ईबुक के फॉर्म में होगा, पीडीएफ के फॉर्म में होगा, ये प्रिंटेबल होगा, इसे आप प्रिंट करा सकते हो और जैसे आपके पास किताबें होती हैं बिल्कुल वैसे किताबें हो जाएंगी। इसमें रीजनिंग का अलग, हमने जनरल इंग्लिश का अलग, हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का अलग, उसके बाद आप यहां पर बेसिक फैमिलिटी विद कंप्यूटर इंटरनेट सोशल मीडिया और ट्रैफिक ऑटोमेशन जो है इनसे हम लोग का अलग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इसका अलग, और जनरल हिंदी इसका अलग, ये अलग अलग पार्ट के हमने क्या किए हैं इसके लिए किताबें लेके आए हैं। और ये पूरी किताबें आपको किसके अंदर मिलने वाला है, डी ट्रिपल एस बी के जे स्टेनो एलडीसी इस बैच में मिलने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बैच के बारे में बता देता हूं, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, एक आप या तो जाके रिसोर्सेस में क्या करो भटको, आप अलग अलग किताबें करो, जैसे आपको मैं जीएसजी के लिए लूसेंट भी सजेस्ट कर सकता हूं, बट लूसेंट में आपको पढ़ना क्या है वो तो आपको फिल्टर होना चाहिए। बार बार परेशान होगे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कितना पढ़े कितनी गहराई तक पढ़े, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्लासेस कहां से लें, उसके बाद फिर आपको नोट्स कहां से बनाएं, ये तमाम क्वेश्चन होंगे। फिर आप आखिर लास्ट में बात फंस जाएगी कि टेस्ट और प्रैक्टिस सोल्यूशन जो इसका है वो कहां से लें, कौन सा हम प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो इससे अच्छा है कि बहुत ही कंप्रेहेंसिव वे में एक पूरे ही कि लाइव क्लासेस उसकी रिकॉर्डेड क्लास, सारे स्टडी मटेरियल जैसे मैंने आपको दिखाया वो होगा, टॉपिक टेस्ट आपके क्विज टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक होगी, मतलब आपकी क्लासेस भी, आपके नोट्स भी, आपकी ईबुक भी, आपका टेस्ट भी, A to Z जो सॉल्यूशन है आपका इसी बैच में मिल जाता है। तो ज्यादा बेटर है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, देखो दो तीन चीज समझना, DSSSB लगातार इसकी परीक्षाएं करती आ रही है, और आप दूध पीते बच्चे भी नहीं हो, आप 18 साल से सब लोग बड़े हो गए वही फॉर्म भर पाओगे, छोटे बच्चे होते तो बहलाने वाली बात थी कि मैं आपको बहला ले रहा हूं। हर कोई, कोई संस्था होगी या फिर कोई पब्लिशर होगा, किसी को ये नहीं पता था कि वैकेंसी आ ही रही है, अब वैकेंसी आई तो सब लोग अपना क्या करेंगे कि पुरानी किताबों का कवर बदल के, हाँ ये लो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये लो आपकी किताबें हैं। लेकिन टीम परीक्षा प्लस हमेशा ही आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग ही पूरे के पूरे जो आपका पूरा एनालाइज करके कि किस अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, सिलेबस को कवर कराना है, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है, पिछली बार एजेंसी कौन सी थी, इस बार एजेंसी कौन सी है, पिछली बार पेपर में प्रश्न कैसा था, इस बार कैसे पूछा जा सकता है, इन सभी के एनालिसिस करने के बाद आपके नोट्स बनते हैं, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस चलती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपके टेस्ट होते हैं। तो जो टीम परीक्षा प्लस से जुड़े हैं उनके बारे में तो कहने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो, जो बच्चे नहीं जुड़े होते पहली बार होते हैं उनको ये चीज बताने की आवश्यकता होती है कि टीम परीक्षा प्लस हमेशा एक बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आती है। तो अगर आप कोर्स से जुड़ना चाह रहे हो, ये कोर्स का जो प्राइस है 699, 588 प्लस GST है, बट ये जैसा कि मैंने पिछले बोला था पिछली बार कि जो हमारे पुराने बच्चे होते हैं, एक बार फॉर्म जब ओपन होगा तो मैं इसे मिनिमम प्राइस में करूंगा, तो इसे 24 आवर केवल मैं इसकी टाइमिंग बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो बाद में देखो तब इसकी प्राइस आपको 699 दिखे, तो प्लीज आप जो कि विनती है कि ये केवल 24 घंटे के लिए किया गया, इससे पहले भी हम कर रखे हैं, 499 में ये केवल आपका बैच लाया जा रहा है ताकि जो बच्चे पहली बार हैं या बच्चे जो हमसे पहले जुड़ चुके हैं उनका पैसा कहीं खर्च हो चुका है, उनके अतिरिक्त लोड ना पड़े, वो 499 में हमसे जुड़ सकते हैं। कहां से जुड़ना है ये चीज मैं आपको बता देता हूं, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा प्लस ऐप का लिंक लगा हुआ है, आप इससे भी जुड़ सकते हो, और अगर आप इससे नहीं जाना चाहते हो तो आप कहां जा सकते हो, प्ले स्टोर पे परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org, उसकी भी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पे जाएंगे, आप कोर्सेस में जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा, आपको यहां पे 588 प्लस GST मतलब 699, बट अभी 24 घंटे के लिए आपको 499 दिखेगा, आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा पेमेंट का आ जाएगा, आप यहां पे लॉगिन करोगे अपने रजिस्टर नंबर से आपका आ जाएगा। क्या क्या मिल रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सेक्शनल टेस्ट, स्ट्रेटजी, कोर्स वैलिड टिल एग्जाम, इसकी वैलिडिटी एग्जाम की डेट रखी रहेगी, ध्यान देना, ये सारी चीजें पढ़ लेना, और बाकी सारी इसमें देखो क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई है, ये क्लासेस प्रॉपरली चल गई है, और इसकी क्लासेस 1 जनवरी से ही चल रही है, ऑलरेडी बहुत पहले से इसका इन्फॉर्मेशन था, अब आप लोग ये बस सोचिएगा क्लासेस चल रही है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, आपको जुड़ जाना है वरना आप केवल नुकसान करोगे।
तो एक डेडिकेटेड टीम के साथ उम्मीद है कि आप लोग DIIT+B के लिए एक बार फिर से जुड़ोगे। ऐसे तमाम जो छात्र हैं जैसे EMRS में, मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया टीम परीक्षा पर सबसे बढ़िया जो रिजल्ट और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिससे जुड़ी वो EMRS में कहीं ना कहीं टीम परीक्षा प्लस से ही थी। इससे पहले हमने KVSGS से, सुप्रीम कोर्ट जैसी इस कैडर के लगातार वैकेंसीज में नंबर एक पे बने हुए हैं। अब किसी भी इस कैडर के बच्चे से पूछोगे तो पहला नाम आपका टीम परीक्षा प्लस ही आएगा। सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन रिजल्ट वाली टीम भी आपकी टीम परीक्षा प्लस ही है। तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, आप इससे जुड़ सकते हो, बहुत बेहतरीन कंटेंट इसमें आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हम कहीं से नहीं जुड़ के अपनी तैयारी करना चाह रहे, तो उसके लिए मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर बिल्कुल कहीं से कोर्स नहीं परचेज करके भी सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, या आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो अब आपको केवल रिवाइज करना है, तो उसके लिए भी मैं एक सेशन लेके आऊंगा। बट अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, कोई अगर पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहा है, या अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैं उससे फ्री एडवाइस दूंगा कि आप, यही नहीं कि मैं बोल रहा हूं परीक्षा प्लस से, आपको जहां बेहतर लगे, जिससे आपको समझ में, आप वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि 2-3 महीने में कब समय बीत जाता है पता नहीं। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप परीक्षा प्लस से जुड़ते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम मैं पहले से ही करता हूं। और ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपका पहला प्रश्न होता है कि मैं क्या कोर्स से जुड़ जाऊंगा तो मेरे सारे प्रश्न एग्जाम में फंस जाएंगे, क्या मुझे अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं कि अगर आप कोर्स से जुड़ते हो तो आपको एक अति भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको इस बात के लिए भी आश्वासित करता हूं कि जो परीक्षा में आपके 200 प्रश्न होंगे, मोर देन 80% आपका एग्जैक्टली आपके पेपर का जो प्रश्न होगा वो कोर्स से आपको सीधा मिलेगा। अब मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा, मैं भगवान नहीं हूं और ना ही मैं आयोगिक, मुझे पेपर पता है, मैं एज इट इज वही सारी चीजें केवल पढ़ाऊं जो आपका पेपर में होने वाला है। मैं केवल एक एनालिसिस पे आपका कोर्स कवर करा सकता हूं, 80% से ज्यादा आपका एज इट इज फंसा सकता हूं। बाकी अगर आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चलोगे, जितना हमारी टीम मेहनत करने को तैयार है उतनी आप मेहनत कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। हां, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि दिन रात 24 घंटे हमारी टीम आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास करेगी आपको सफल बनाने के लिए। अगर आप हमसे यही प्रॉमिस कर लेते हो कि नहीं सर, आप जितना मेहनत कर रहे हो मैं आपके साथ कर लूंगा, तो मैं आपको गारंटी भी दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको कोर्स से जुड़ने से पहले प्रॉमिस करना होगा कि हां सर, आप जितना कह रहे हो मैं उतना करने के लिए तैयार हूं। अगर आप इतना करने के लिए तैयार नहीं होना, तो हाथ जोड़ के विनती, आप कोर्स से मत जुड़िएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा। हां, अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर एकदम सही बोल रहे हैं, सर मेहनत करने को तैयार है, मैं सर के साथ मेहनत कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कहना हां सर, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तभी आप कोर्स से जुड़िएगा। ये कोर्स का डिस्क्लेमर मानिए, ये मेरी अपनी खुद की फिलॉसफी मानिए, या मेरा एक टारगेट मानिए, इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहता और ना ही करता हूं। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए होती है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना आपको भी करना है, इस बात की गारंटी मैं दिलाता हूं कि सिलेक्शन आपका होगा, इस बात का प्रॉमिस आपको करना होगा कि सर मैं मेहनत करूंगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।